बुलंदशहर हिंसा में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को गोली मारने वाले आरोपी फौजी जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू को रविवार शाम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी जीतू सोपोर में 22 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात था, जहां से सेना ने शनिवार देर रात उसे UP STF को सौंपा था। देखो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो चूंकि प्रोसिक्यूशन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही क्लियर सब हो पाता है। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? हम नेक्स्ट डे बिल मूव करेंगे। रिमांड जीतू ने आपको कुछ बताया होगा क्या? जीतू का क्या कहना है? यही उसका कहना था कि मैं निर्दोष हूँ, मैं तो छुट्टी आया हुआ था, चूँकि मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी की मैरिज थी, मैं उसमें अटेंड करने आया था और 4 को मुझे ज्वाइन करना था, तो मैं ज्वाइनिंग की तैयारी के लिए निकल रहा था यहाँ से, बाकी मेरा उस ऑफेंस से कोई मतलब नहीं। रविवार सुबह यूपी पुलिस जीतू को घटनास्थल पर भी ले गई। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र ने माना कि जब भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई तो वो वहां था। हालांकि अभी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इंस्पेक्टर सुबोध या फिर सुमित को गोली मारने वाला व्यक्ति जितेंद्र ही है। आरोपी फौजी जितेंद्र ने अपनी सफाई में कहा कि उसने गोली नहीं चलाई। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।